अमित शाह का विंध्य दौरा, रीवा और शहडोल कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा के बीच आज रीवा पहुंचे। यहां स्थानीय वृंदावन गार्डन में आयोजित रीवा व शहडोल संभाग के 270 पदाधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह ने पिछली बैठकों में बनाई गई चुनावी रणनीति की समीक्षा की, साथ ही विंध्य की 24 सीटों में जीत यथावत रखने के साथ 24 से ज्यादा सीट जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने लड़ाई का महत्वपूर्ण केंद्र बूथ को बताते हुए बूथ जीतने की बात कही। साथ ही ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, उनसे एक नहीं बल्कि चार चार बार मिलना, उनसे संपर्क करना और बात करने का मंत्र दे गए। अमित शाह करीब 3:15 बजे बैठक में पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करते रहे। अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बात की। विंध्य में 30 सीटें हैं, रीवा संभाग में 22, जिनमें से 18 में भाजपा का कब्जा है, और शहडोल संभाग में 8, जिनमें से 6 पर भाजपा का कब्जा है। कुल 30 सीटों में 24 पर भाजपा है और 6 पर कांग्रेस। टिकट वितरण के बाद कई नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें मनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी 24 सीटों को बनाए रखने के साथ अधिक से अधिक सीटों पर जीत की बढ़त बनाने के लिहाज से अमित शाह का अहम दौरा है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। शाम को उज्जैन भी जाएंगे। माननीय अमित शाह जी का 3 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश में मना हुआ है। संभाग स्तर पर जो हमारे चुनाव के दृष्टि से हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो जिम्मेदारी में लगे हुए हैं, हमारे जिले के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और प्रवासी कार्यकर्ता हमारी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, इस प्रकार की श्रेणी के कार्यकर्ताओं की बैठक आज हमारी रीवा संभाग की हुई है। और जो हमारे पिछले माह में जो हमारी बैठकें हुई, उस बैठक में जो संगठनात्मक कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से संगठन ने कार्यकर्ताओं को दिए थे, उनकी समीक्षा हमको करना और आगे चलकर के सने सने जो हमारे चुनाव का जब समय जब बढ़ता है और आगे चलकर के हमको किस प्रकार की और तैयारी करना है, उसको लेकर आज व्यापक चर्चा माननीय अमित शाह जी ने सभी कार्यकर्ताओं से की है। और एक ही मंत्र दिया है कि घर घर संपर्क। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2003 से किस प्रकार से जो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज विकसित राज्य बनाया है, गरीबों के लिए जो योजना हमने बनाई है, किसानों के लिए हमने जो काम किया है, विंध्य के क्षेत्र में आप बात करें सिंचाई के क्षेत्र में इतना लंबा काम हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा बूथ, हमारी लड़ाई का जो हमारा महत्वपूर्ण केंद्र होगा बूथ होगा, इसे बूथ को फोकस करके जो ऐसे बूथ जहाँ भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, सब कुछ करती है, इसके बावजूद ही कुछ लोगों का समर्थन हमको नहीं मिलता, उन परिवारों से जाकर संपर्क करना, बातचीत करना और एक बार नहीं चार चार बातचीत करना, इसलिए ऐसे लोगों को भी अपने पक्ष में हम करें। इसलिए कार्यकर्ता अपने बूथ पर लगातार सक्रिय होकर पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीतियों को लेकर के संपर्क हमारा सबसे अधिक हो, इसके आधार पर हम पार्टी ये चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी मंत्र को लेकर के माननीय अमित शाह जी ने हम सब कार्यकर्ताओं से कहा है और बहुत सारे विषय, चूँकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार इस प्रकार की बैठक नहीं कर रही, हमारी लगातार संगठन तो बैठक चुनाव हो चुनाव नहीं हो तब भी हम लगातार करते हैं। इसलिए पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो मध्य प्रदेश को जो देश का सबसे विकासशील राज्य बनाने का जो सपना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य देश भारत को बनाने का जो लक्ष्य है, वो सब बातों को लेकर के कार्यकर्ता बीच में जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के हर मतदाता के लिए एक पत्र, एक अपील उन्होंने भेजी है, वो घर घर जाकर कार्यकर्ता हम उसको देने का काम करेंगे। इसलिए इन सब विषय को लेकर माननीय अमित शाह जी ने आज रीवा और शहडोल संभाग की बैठक को लिया है। थैंक यू। किस तरीके से आज बैठक हुई और क्या रहा? आज हमारे रीवा और शहडोल संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, उन कार्यकर्ताओं के मध्य में भारत देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक, जिला प्रभारी और जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता थे उनकी बैठक थी। आज पूरी
शिद्दत के साथ कार्यकर्ताओं को उन्होंने विंध्य की 300 सीट में, जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास 24 सीटें हैं, उन 24 सीटों को बरकरार रखते हुए आगे और सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालने का मंत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल। कौन कौन कितने लोग बैठक में आए थे अमित शाह जी के साथ, कौन कौन थे? माननीय अमित शाह जी के साथ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी डी शर्मा भाई साहब जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी।